अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज साहब इतने पाकिस्तान लाहौर तू इन्हों क्या कि इंटरव्यू करना तो चलो देखने। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। बस अल्लाह का फजल, तुम सुनाओ ठीक हो? शुक्र अल्लाह का अलहमदुलिल्लाह। थोड़ा जो टर्मीन की अपॉइंटमेंट इंटरव्यू की दोगे इंटरव्यू? जी जी जरूर बिस्मिल्लाह। तो चलो असं तो तुम जानने 22 साल तू कट्ठे एक शहर च रेंदे सा। हाँ जी। तो तुम अपना तारफ कराओ लोगों। ठीक है, मेरा नाम हाजी मकसूद, मैं हाजी कहते हैं, नाम मेरा मकसूद अहमद है। सही जी। पाकिस्तान कड़ी जगह तू? असि लाहौर तू। इतने किन्ने साल तू? असि सारा इतने 40-41 साल हो गए। माशाल्लाह, अड्डा अरसा, बुढ़े हो गए नहीं? हाँ जी, बाल चिट्टे हो गए, गंजे हो गए बोल के। हाँ मगर तुम सोहने लग रहे हो। मेहरबानी। मोटे इन्ने नहीं हो, चेहरा चूरा ठीक है। सिर्फ वाल वो लो आलो जवान हो जाओगे। नहीं यार, जेन्युइन ब्यूटी वधिया है। अच्छा अच्छा चलो सही है। ते तुसी 40 साल पहले आए थे ते आंदे एकदम सेट हो गए? नहीं जी, बड़े धक्के खाते जे गए। अच्छा, एकदम सेट होने का चक्कर कोई ना। इतने वो मजदूरियां कीतियां, मेहनत कीतियां, भांडे धोते, रेस्टोरेंट च, फिर जाके अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई थे, छोटा मोटा अपना काम किया, पिज्जा जी दा। पहले तुहाडा पिज्जा थे रसूल अहम सी? हाँ जी, मेरा पहले पिज्जा रसूल अहम सी। सही। बहुत रिव्यू मैं 12 साल किया है, फिर वो बेच के मैं एक फिर रेस्टोरेंट भी किया, 4-5 साल वो किया है। अच्छा। फिर मैं छड़ छुड़ा के पासा चला गया था जी, तकरीबन 5 साल पासा से रह गया पक्का, बाल बच्चे नाल। सही। उत्थे पता हालात किन्ने बुरे हो गए सन, दहशतगर्दी वाकया बड़े हो गए सन, बंब धमाके। तो फिर मशवरा किया आ गया, कहते हैं चलिए वापस तो चलीए। फिर अल्लाह नाल 2009 से वापस आ गए हैं। अच्छा। फिर 2010 ऐ पीदा पाया, तो हूँ अल्लाह नाल कहते बैठे हैं, शुक्र अल्लाह का। हूँ ये दसो कि चलो अल्लाह करे पीदा चले, तो पहले भी चल रहा सही है, तो ये जी करोना की सूरत हाल है, ये तो की फर्क पाया, काम वध्या घटिया या की है? नहीं सर, ये काम तो घटे ही घटिया, वध्या कौन ही एडा कहते हैं कि वध्या, लेकिन साढ़ा कौन ही खास वध्या, नॉर्मल चल रहा अलहमदुल्लाह, सिरसा चल रहा वे। अलहमदुल्लाह की कह सकते हैं, कभी घट कभी वध चल रहा है। सही है। तो पीज़ा तुम चला रहे हो, एक पीज़ा, दूसरा, तीसरा, तो मकान मकून भी तुम सुने लिया? आही मकान लिया है, अल्लाह की मेहरबानी नाल अल्लाह दे रहा है। किन्ना अरसा लग गया मकान खरीदया? सर मकान पहला मकान खरीदया सी 1994। अच्छा। 94 च। सही। उस फ्लैट अपार्टमेंट बच्चे को सन। अच्छा। तो वो बच्चे माशाल्लाह हो गए जवान, तो मकान हो छोटा, फिर लगे कोशिश कर रहे थे अल्लाह ताला वड्डा दे दे, तो उन्हें मेहरबानी फरमाई है, तो वड्डा मकान लभ रहे आसानी ना मिल गया एकदम? ना जी, आसानी ना किसी भाई ना मिले जे, ये बड़ा मतलब पापड़ फिरने पे जे, बड़ा मुश्किल करते सदे मंजूर हो जाए। यानी मकान लैंदे तुहानू कि मैं 35-38 साल लग गए? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हां टाइम ते ईजीली लग गया, हर बंदे ख्वाहिश होंदी है जी घर ले लिया ले लिया, लेकिन अज मेहनत करनी पैंदी है, तो कोशिश अल्लाह करते, अल्लाह ताला मेहरबानी कर देते सारे, मेहरबानी अल्लाह की दात, अलहमदुल्ला। सही है। और पाकिस्तान भी आते जाते हो? हाँ जी, कभी कभी जाइए भी है, माँ बाप खुद हो गए ने। अच्छा। तो हम भाई वे पैरस होंगे ने। अच्छा। पाकिस्तान कोई कौन ही है नहीं, जिदो घर भी है ने। तो कभी कदाई गई चले जाइए, कोई गमी खुशी दे, कोई मसला बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है अच्कल, मतलब कि हूँ पी आई भी नहीं चलती, अगर पी आई चलती सी सीधा पवे 7 घंटे पाकिस्तान लाहौर, हूँ दार दूसरिया रेलों का सफर करना पैंता है, कभी कतर से, कभी तुर्की से, कभी दूसरिया जलाना, तो काफ़ी परेशानी हो जाती है, ताकि उसे स्टे भी होता वे, तो परेशानी हो जाती है। अगर ऐसी कि पी आई डायरेक्ट चली जाती सी, तो इमरान खान साहब की अपील है सारी सब गवर्नमेंट पाकिस्तान अगर, कि पी आई चलाओ सू, मतलब पाकिस्तान ने सहूलत दो, तो मुल्क का भी फायदा होगा। अब जितने पाकिस्तानी का इंटरव्यू किया ना, वो सारे ने कहा जी पाकिस्तान जिंदाबाद, सानू कोई मसला नहीं, कुछ नहीं, असं दुआवां करने आं पाकिस्तान दे हालात होर अच्छे होण इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ते सिर्फ मसला इक है कि सानू फ्लाइटां जिहड़ियां ना ओह डायरेक्ट दे दिओ सानू पी आई दियां। हाँ जी, असीं खुश हां। बिल्कुल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।